सर मेरा नाम नताशा है, मैं कनाडा से आई हूँ। वाह वाह वाह, अरे कनाडा में तो हमारा भी घर है। हाँ कहाँ? ये अपना बांगुर नगर में। अरे सर वो वैंकूवर है। हाँ तेरी बहन का कुंवर। एक मिनट जरा बात कर ले, पुराने दोस्त है। मैं क्या कर रहा है कपिल? अब तेरी उतर गई। अब एक एक करके मैं सबके उतारूंगा। और सुनो, ये बॉलीवुड पार्टी चल रही है, तेरी फूफी का लेडीज संगीत नहीं कि तेरे जैसे आओगे पाओगे पार्टी संभालेंगे। समझ में आया चबड़ गंजू? ठीक है हम जा रहे हैं। नहीं नहीं रुक जाए, एक मिनट जल्दी दो। हाँ। सर मैं आपका एक ऑटोग्राफ चाहती हूँ, जाने से पहले प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। जाओ सबसे पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया कि मेरा बाप चोर है। जाओ। ए बधाइयों के लल्ला, ऑटोग्राफ मांग रहेगा चुपचाप दे वरना तेरा विग उखाड़ दूंगा मैं। क्या क्या कहा आपने? उन्होंने विग पहना हुआ? अबे तेरे अर्थी के फूल, विग नहीं बिग बिग का बिग बिग मतलब बिग मतलब बिग मतलब। अरे हट, जब से आया है सवाल पे सवाल पूछे तेरा एक कान करी तेरा। हट। मुझे यहाँ दाल में कुछ काला लग रहा है मैडम। हाँ। तेरी दाल में कुत्ते का बाल है? अमित जी, ये शत्रु जी यहाँ क्या कर रहे हैं? जो तुमसे नहीं हुआ नल्ली कहीं की वो मैं करने आया। पौंगी कहेंगी, बिगड़ बौंगी कहेंगी। ना पौंगी ना बौंगी, दीपिका पादुकोण। ये तो 50-50 ऑप्शन से भी छोटी दीपिका है। आपसे बड़ा तो हमारे पीकू का टाइटल था, पीको। वैसे छोटी तो तुम हो अर्चना, अगर शाम आए तो उसको कह देना कि छोटू आया था। वैसे होती तो तलवार भी छोटी है लेकिन बड़े बड़े योद्धाओं की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। चावल में से तो कंकर अलग किए नहीं जाते और गर्दन में से धड़ अलग करेगी। देखिए शत्रु जी, आज दो तीन गर्दने धड़ से अलग होंगी, समझ में आया? लपड़ गंज चपड़ गंज कहेंगे। देखिए मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये पार्टी का हमने आयोजन किया है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? हमसे हिंदी का कंपटीशन करोगे तो सुनो, यहाँ जो पार्टी रखी है वो अविश्वसनीय है, अनुकरणीय है, सोचनीय है, करुणामयी है, आनंदमयी है, और भी लिस्ट है हमारे पास। आनंदमयी है, खुशमयी है, अप्रैलमयी है, सुरमयी है, सुरमयी अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रहे आरा रीरुम। ये सब आपका बोले जा रहे यार, हमसे कोई नाराजगी होगी? बिल्कुल है, आपने हमें अपनी फिल्म शहनशाह में क्यों नहीं लिया? हाँ तो तुमने भी तो हमें काली चरण में नहीं लिया था। हाँ तो आपके चरण गोरे थे, सफेद थे, चिट्टे थे, चिट्टिया कलाइया में भी तेरे चिट्टिया कलाइया में। अरे आपने हमें दोस्ताना में नहीं लिया? सीधा टीवी से फिल्मों में काम मांगने का चपड़ घंजु दूं तेरे कान पे। क्या बात है शत्रु जी, आज तो आप बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं। उत्साहित नहीं, मैं विवाहित हो गया हूँ पुराने ख्यालों में, और पुराने ख्यालों में प्रवाहित हो गया हूँ। अरे अगर आप दोनों की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो हम कुछ बोले? हाँ तुम क्या बोलोगे? तुम कौन से नरेटर हो, जनरेटर हो, टर्मिनेटर हो? ये क्या है? ओ समय समाप्ति की घोषणा। वाह बिल्कुल सही कहा। ओ चपड़ गंजू, ए कप्पू शर्मा ने मुझे कहा था कि सारी पेमेंट मेरे हवाले कर दो, नहीं तो समझ में आया कि नहीं माई के लाल। हाँ चपड़ गंजू समझी मंजू। मंजू नहीं, मैं नताशा हूँ। तेरी नताशा का बताशा, मुन्नी करे तमाशा, आई लव बिपाशा। एक मिनट मैं सबकी पेमेंट क्लियर कर दूंगी, लेकिन जाने से पहले जो है मैं SRK को मेरी फिल्म के लिए साइन करना चाहती हूँ।
अरे सुना आपने, आप सुना, ये मुझे साइन करेंगी यहीं पे कर दो। ये क्या साइन? अरे इनसे अच्छा शाहरुख तो हम करते हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अरे इससे अच्छा शाहरुख तो मैं करता, ये तुझे देखा तो ये जाना सनम। सत्तर मिनट पांच मिनट भी नहीं तेरे पास। अरे ये तो ये तो I love you किरण। बाबूजी ने कहा घर छोड़ तो छोड़ते क्यों नहीं, चपड़ गंजी कहेगी। तेरी आंखों की नमकीन मस्तिया, ए तेरी भैंस की पूछ, तेरी भैंस की पूछ, मैं सबसे अच्छा शाहरुख खान करती है। देखो असली शाहरुख ये है, नहीं लगता। ये सारे सारे नकली है, ये देखो उबली हुई आलिया। एक मिनट मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ सारे के सारे नकली हैं। जब तुझे सारे के सारे पता था कि नकली, हमसे इतनी मेहनत क्यों करे? इतनी देर हमसे क्यों करे? देखो मेरी बात सुनो, अगर हम लोग पकड़े भी गए, वैसे तो भागना बनता है हमारा, लेकिन हम ठहरे 9, तुम ठहरे 2, तो तेरी माँ का साकी नाका। Thank you. Superb. Jubin, mere bhai. Kya baat hai? Jubin ke liye zordar taali ho jaye. Aur hamare म्यूजिशियन दोस्तों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है अंकल, आप जब सैक्सोफोन बजाते हो ना, कसम से वो आपके ऊपर है। हालांकि आज भी आप चाहो ना तो आप, मतलब लड़कियां आप पे मर सकती हैं। जुबीन, आपसे हमारी पहली बार मुलाकात हो रही, लेकिन आपके गाने हम सुनते रहते हैं, बहुत ही कमाल की आवाज ऊपर वाले ने आपको बख्शी है। थैंक यू। और मुझे मतलब इतना लंबा चौड़ा सिंगर मैंने पहली बार देखा है, कसम से। मतलब ये तो इनका बड़प्पन है कि ये सिंगिंग में आ गए, आप पुलिस में भी जा सकते थे। और ऐसे सिंगर को रिस्पांस भी देना पड़ता, नहीं तो पता नहीं कब गिटार रख के जूडो कराटे करना शुरू कर दे। आप कहाँ से जुबीन बिलोंग करते हैं? सर मैं उत्तराखंड के पहाड़ों से आया हूँ। वाओ, जौनसार बावर एक जगह है, वहां पर, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। जुबीन, आपके तो इतने सारे फैंस अब हो चुके हैं, आप बॉलीवुड में किसके फैन है? सर मैं बॉलीवुड में आपका फैन हूँ। जुबीन, जब भी मैं आपका गाना सुन रहा था ना सामने बैठ के, तो वो जो पीछे लड़की बैठी हुई है, अच्छा, वो मेरे से पूछ रही थी, कहती जुबीन से आप जरूर पूछ रहे, जुबीन बाल कहाँ से कटवाते हैं? मैं बाल खुद ही काटता हूँ अपने। हाँ, तो मैं असल में ऐसे करता हूँ, बाल ऊपर बांधता हूँ और उसके बाद कैंची से कच। अच्छा, वाह। तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही कमाल की आवाज के साथ साथ जुबीन नौटियाल हेयर सैलून भी है, अगर आप अपने बाल कटवाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे बाल भी काटते हैं, पर अच्छी बात है भाई।